वरिष्ठ भाजपा नेता सुरेश तिवारी ने पेपर लीक मामले में सरकार के लाए गए अध्यादेश को राज्य में अब तक का सबसे कठोर कानून बताया है। उन्होंने कहा है कि युवा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नकल माफियाओं की कमर तोड़ने के लिए कठोर कानून बनाया है। इसका असर आने वाले कुछ समय बाद देखने को मिलेगा, जब राज्य की भर्ती परीक्षाओं में गरीब और आम जनता के बीच से अभ्यर्थी सरकारी नौकरी में चयनित होकर आने लगेंगे। इसके साथ ही बीजेपी नेता सुरेश तिवारी ने कांग्रेस पार्टी को लेकर भी कहा, आइए क्या कुछ कहा उन्होंने आपको सुनवाते हैं। उत्तराखंड में नकल विरोधी अध्यादेश लाने वाली देश की पहली सरकार उत्तराखंड की सरकार धामी सरकार है। धामी जी ने एक निर्णय लिया है और जिस प्रकार से उत्तराखंड में नकल माफियाओं का शिकंजा तेजी से कसा था, फैल गया था, उसको उत्तराखंड सरकार ने बहुत नकेल कसने का काम किया है। हमारे भी बच्चे पढ़ते हैं, अभिभावक जानते हैं किस प्रकार से अपने बच्चों को पढ़ा लिखा करके जो है आगे बढ़ा रहे हैं हम लोग। लेकिन जब इस प्रकार से नकल माफियाओं का शिकंजा कसकर हमारे होनहार बच्चे रह जाते हैं तो उसका बड़ा कष्ट होता है।